I'm fed up with changes. Come pick me up, cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look, she's standing in the crowd. Cause I just wanna see the light. I'm so sick of waiting and getting too restless to be in this dusty town. What's up guys and welcome back to a new video. Right now I am in Malta. बहुत सारे लोगों को शायद पता ना हो इस कंट्री के बारे में, बट माल्टा एक छोटा सा आइलैंड है सदर्न इटली एंड नॉर्दर्न अफ्रीका के बिल्कुल बीचों बीच. मुझे भी ज़्यादा नहीं पता था माल्टा के बारे में रिसर्च वगैरह करने से पहले, बट बहुत टाइम से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं कोई नई यूनिक कंट्री जाऊँ. एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे लोगों ने इवन माल्टा भी रिक्वेस्ट किया था. पिछले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है माल्टा, एटलीस्ट यूरोप में बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं. तो बेसिकली माल्टा की दो साइड है, दो चीज़ों के लिए आते हैं यहाँ पर लोग, या तो हिस्ट्री कल्चर बीचेज वगैरह के लिए. बहुत ही हिस्टोरिक आइलैंड है, यू हैव प्लेंटी ऑफ ब्यूटिफुल बीचेस, एंड या फिर नाइट लाइफ के लिए इट ऑल्सो हैज़ वन ऑफ द बेस्ट नाइट लाइफ इन यूरोप. अभी तक जो दो सबसे फेमस पार्टी आइलैंड थे वो था या तो इबीजा स्पेन या फिर मिकोनोस ग्रीस. मिकोनोस की पार्टीज की मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, बट नाउ माल्टा इज ऑल्सो इन द रेस. इट इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द बेस्ट पार्टी आइलैंड इन यूरोप. एंड मैं दोनों पार्ट कवर करूंगा माल्टा के, द ब्यूटिफुल हिस्टोरिकल कल्चरल साइड एंड ऑल्सो द क्रेजी नाइट लाइफ साइड. बहुत अमेजिंग पार्टीज होती है यहाँ पर, मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है इसके बारे में. यू हैव बोट पार्टीज, फोम पार्टी, बीच पार्टी, पूल पार्टीज, एंड ऑब्वियसली आई वोंट बी एक्सप्लोरिंग अलोन. मेरे 3 दोस्त और आ रहे हैं जर्मनी से, उनकी अभी 1 घंटे बाद फ्लाइट लैंड होगी यहाँ माल्टा में. शायद आप लोगों को पता भी हो अगर आपने फिनलैंड या फिर नॉर्वे की वीडियोज देखी है. विष्णु और उसके दोस्त आ रहे हैं, वो मेरे साथ एम्स्टरडैम में भी थे. अभी पहले मैं आपको ये होटल दिखाता हूँ जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ. This hotel is called Hugo's Boutique Hotel. It's in St. Julian's in Malta. सबसे famous spot है, मतलब इससे अच्छी location नहीं हो सकती अगर आपको night life enjoy करनी है Malta की. इसीलिए मैंने दो hotel book कराए हैं, दो बिल्कुल different parts में. एक ये वाला St. Julian's में जो बिल्कुल night life के लिए famous है, and the second one is in Valletta which is the capital of Malta. अभी पहले मैं आपको ये वाला hotel दिखाता हूँ, उसके बाद चलेंगे direct airport and let's start this Malta series. एंड घुसते यहाँ पर ये इन्होंने काउच लगाया हुआ है, वहाँ पर चेयर है एक बैठने के लिए. दिस इज़ द मेन बेड. बहुत ही डार्क एंड मूडी थी मैं रूम की, बट आई स्टिल रियली लाइक इट. यहाँ पर है वॉशरूम एंड व्यू बहुत ही अच्छा है बाय द वे. यहाँ से पूरा सिटी व्यू है राइट साइड से, एंड सामने हार्बर व्यू है. आपको मैं आउटसाइड एरिया दिखाता हूँ जो हमारी बालकनी है. सामने पूरा हार्बर है एंड यहाँ से जाके इनका इन्फिनिटी पूल है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा. एंड लुक एट दिस, दिस इज़ आवर प्राइवेट हॉट टब. अगर आपको सेंट जूलियन में रुकना है जो नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपको इससे अच्छा होटल नहीं मिलेगा. दिस इज़ द बेस्ट वन. माल्टा में सबसे फेमस एरिया है ये नाइट लाइफ के लिए. जिस रोड पे अभी मैं हूँ ये है सेंट ग्रेगोर्स रोड. सारे क्लब्स, पब्स, बार सब कुछ यहीं पर है. अभी आपको ऑब्वियसली पता नहीं लगेगा, मैं आपको रात को दिखाऊंगा ये पूरी स्ट्रीट. एंड होटल के बिल्कुल सामने ही यहाँ पे बीच है, तो पार्टी के साथ साथ अगर आपको बीच वगैरह पर चिल करना है वो भी कर सकते हो. बहुत ही सही लोकेशन लगी मुझे, बहुत ही मतलब लाइवली एंड हैपनिंग एरिया है ये वाला. एंड मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट बहुत सारे इंडियंस हैं यहाँ माल्टा में. मतलब मुझे कंट्री के बारे में पता भी नहीं था 2-3 साल पहले तक, बट इतने सारे इंडियंस यहाँ काम कर रहे हैं. सो फाइनली चलते हैं एयरपोर्ट. गाड़ी मैंने माल्टा एयरपोर्ट से रेंट कर ली थी, बिल्कुल नॉर्मल इकोनॉमी गाड़ी है, क्योंकि यहाँ आइलैंड पे जितनी छोटी गाड़ी हो उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह होता है. एंड ये मुझे पड़ी अराउंड 5,000 रुपये पर डे. एंड यहाँ माल्टा में ड्राइविंग सिस्टम इंडिया वाला है, यू हैव स्टेयरिंग ऑन द राइट, वरना मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में लेफ्ट साइड पर होता है. बहुत शेटी, बहुत शेटी, बोर्ड करवा दिया.
उसके बाद कहते हैं ढाई घंटे डिलेट बोर्ड करवाने के बाद अंदर बैठे हुए ढाई घंटे जो करना करो फ्लाइट के अंदर सब होटल में थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करके आज सबसे पहले जा रहे हैं बोट पार्टी के लिए। यहाँ माल्टा में बोट पार्टी का कॉन्सर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। कोई गया तुम में से पहले बोट पार्टी पे? नहीं, नहीं कोई नहीं गया तो सबका फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम एक बार मैंने इबीजा में बुक कराई थी बट फिर इबीजा का वो प्लान ही कैंसिल हो गया था। तो यहाँ आपको पूरा बोट पार्टी का एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। पंद्रह मिनट तो यार गाड़ी ढूंढने में लग गए। रेडी? यस सर। तो यहाँ बोट के पियर पे पहुँच गए हैं एंड पीछे ये वाली बोट खड़ी है, ये वाली हमें लेके जानी है। एंड इतने सारे जने हैं, आई हैव नो आइडिया कि इतने सारे लोग इस छोटी सी बोट पे कैसे फिट होंगे, बट लेट्स सी। एंड ये वाली साइट सीइंग बोट है, ये भी बहुत चलती है यहाँ पे। अगर आपको सी से पूरी साइट सीइंग करनी है, ये वाली हमारी बोट है। एक बात बताओ, इस बोट पे इतने बंदे फिट होंगे कैसे? एक के ऊपर एक चलेंगे। आधे इसमें आधे पानी में। स्विमिंग आती है किसी को तुम में से? मुझे तो नहीं आती। नहीं आती अगर हमें चढ़ गया तो तुमको आना पड़ेगा। तो मतलब बिल्कुल पार्टी स्टार्ट ही हुई है, अभी म्यूजिक भी इन्होंने तेज नहीं किया। क्या कह रहे थे, ये डीजे को पिकअप कर रहे हैं वहां से? एक डीजे उस साइड है और इस साइड के लिए भी नए स्टॉप से डीजे को उठाएंगे, तो दो डीजे आएंगे। तो इसीलिए अभी उस साइड तो पार्टी चल रही है बट यहाँ के लिए वो अभी डीजे पिकअप कर रहे हैं। एंड सिटी के व्यूज इतने प्यारे हैं बोट से। और विष्णु एक बात बता, देख हमारा तो समझ आता है कि हम पार्टी में क्यों आए हैं, तू तो ड्रिंक भी नहीं करता, तू क्यों आया है? मैं भाई दोस्तों के लिए आया हूं। कोई और मोटिवेशन तो नहीं है ना? नहीं नहीं भाई, इसकी है ना, मैं मोटिवेशन हूं उसकी। हो सकता है मैं मोटिवेशन हूं इसकी। पाकिस्तान इंडिया भाई भाई। यस। सो बोट पार्टी के बाद अगले दिन होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकले माल्टा की सबसे ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस एक्सप्लोर करने। एंड द फर्स्ट वन ऑन द लिस्ट वाज द ब्यूटीफुल कोमिनो आइलैंड। बट कोमिनो आइलैंड पहुंचने से पहले रास्ते में एक और बहुत ब्यूटीफुल अट्रैक्शन थी जिसका नाम है पोपोय विलेज, जो पहले एक मूवी सेट होता था बट नाउ इट्स एन अम्यूजमेंट पार्क। यहाँ से फेरी की एंट्री है, बस अंदर जाके गाड़ी पार्क करनी है एंड ये अराउंड 25 मिनट में आइलैंड छोड़ेगी। क्यों यार तैरना नहीं आता, ये जबरदस्त लेके जा रहा है मेरे को ईशान भाई। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा जेट स्की का भाई। पाकिस्तानी हूँ, अगर मैं घूम गया तो इंडियन व्लॉगर है ईशान गोयल, मैं इसकी जिम्मेदारी हूँ अगर मैं घूम गया तो उसको पकड़ना भाई। कोई नहीं यार, मैं हूं ना बचाने, मेरे को भी नहीं आता भाई। तीन इंडियन एक पाकिस्तानी, सोचो तीनों वापसी है, मैं नहीं आऊँ तो सोच लो क्या हुआ फिर। सोच लो क्या। तो हमने सोचा कि कोई एक वाटर स्पोर्ट्स करते हैं तो जेट स्की रेंट करी है।
जेट स्कीइंग करने के बाद वी वेंट बैक टू मेनलैंड माल्टा एंड अब हमें जाना था पूरे माल्टा की सबसे हिस्टोरिक सिटी विजिट करने जिसका नाम है मदीना विच इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन फॉर द फिल्मिंग लोकेशंस ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स. बहुत सारी गेम ऑफ थ्रोन्स की इवन फिल्मिंग लोकेशंस हैं इस सिटी में. इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड हिस्टोरिक. बिल्कुल एक डिफरेंट फील थी सिटी की. And after exploring Medina, it was time to go visit the last city in Malta, which is also the capital, Valletta. So ये इनका St. John's Cathedral, but ये main वाला नहीं है. Main इनका है St. Paul's. वो भी आपको अभी दिखाता हूँ. यहाँ से around 5 मिनट की walk है. अब शाम को देख कितना मस्त लग रहा है. सारे आराम से बैठे हुए हैं, chill कर रहे हैं, wine wine पी रहे हैं. हाँ, ये तो मतलब हर European country में मतलब ये है ना, similar है. हाँ, ये चीज़ हमेशा मिलेगी हर जगह. आपको ये इंग्लिश टेलीफोन बूथ मिलेंगे. सो ये है इनका मेन स्क्वायर पूरा. एंड ये कोई म्यूजियम है आई थिंक. इतने सारे अलग अलग कंट्री के फ्लैग लगाए हुए हैं इन्होंने यहाँ पे. एंड ये भी कोई इंटरेस्टिंग बिल्डिंग लग रही है, पता नहीं क्या है. एंड हर थोड़ी देर में जाके एक कोर्टयार्ड टाइप है जो ये स्क्वायर बने हुए हैं पूरे. सो ये इनका मेन कैथीड्रल है अंदर से. बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है यार. ये पूरा ऊपर डोम है. बाहर से मैंने आपको इसके शॉट्स दिखाए थे. एंड अब आप व्यू देखो यहाँ से. एक घंटे बाद सनसेट होने वाला है. सनसेट के बाद वी वेंट बैक फॉर ए वेरी स्पेशल डिनर. सो ये रेस्टोरेंट अंडर ग्रेन मिशलिन स्टार